रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूँ। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूँ। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूँ। खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। म्यांमार में भारतीय सेना के जोरदार ऑपरेशन की देश भर में दाद दी जा रही है। एक ओर भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर नई सरकार की बदली हुई नीतियों की बात हो रही है। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय सेना पाकिस्तान को भी ऐसा ही करारा जवाब दे सकती है? क्या म्यांमार की तरह पीओके में भी हमला करेगी भारतीय फौज? क्या ऑपरेशन म्यांमार से चीन को कड़ा संदेश जाएगा? आज हम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अश्वनी उपाध्याय, बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे देवव्रत सिंह जी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो चलिए करते हैं अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम की शुरुआत। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े तेवर, मणिपुर हमले के बाद भारतीय फौज का मुंहतोड़ जवाब, सरहद पर आतंकवाद के खिलाफ की कार्रवाई, उग्रवादियों के ठिकाने पर किए हमले, ऑपरेशन म्यांमार से बौखलाया पाकिस्तान। देश की सेना ने पहली बार सीमा पार जाकर म्यांमार की सेना के साथ मिलकर उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उग्रवादियों के दो ठिकानों पर हमला किया और कई उग्रवादियों को मार गिराया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से ये ऑपरेशन हाल ही में म्यांमार सीमा पर उग्रवादियों की तरफ से किए गए हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 18 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। सेना को खबर मिली थी कि वही गुट फिर से हमले की साजिश रच रहा है, लेकिन सेना ने सीमा पार करके उग्रवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। मंगलवार की सुबह नागालैंड और मणिपुर की सीमा से सटे म्यांमार में उग्रवादियों के दो ठिकानों पर हमला किया गया। म्यांमार में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट की पूरे देश में तारीफ हो रही है। सरकार ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकियों में सख्त संदेश जाएगा। वहीं भारतीय सेना के ऑपरेशन म्यांमार की गूंज से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। पाकिस्तान के एनएसए के बाद अब वहां के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी विरोध के सुर उठाए हैं। मुशर्रफ ने भारत के ऑपरेशन ऑल आउट पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है और उसके पास न्यूक्लियर शक्तियाँ हैं। भारत ऐसा ना सोचे कि उसके ये न्यूक्लियर बम शबे बारात के लिए रखे हैं और ना ही वो म्यांमार है। भारत का ऑपरेशन ऑल आउट उन सभी देशों के लिए कड़ा संदेश है जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उसमें फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन। भारत ऑपरेशन ऑल आउट को सफलतापूर्वक अंजाम देकर यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि अब भारत किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है और वो ऐसे किसी भी हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो हमें फक्र है कि हमारी सरहद पर तैनात जवानों को घात लगाकर मारने वाले को उग्रवादियों को हमारी सरकार ने उन्हीं के अड्डे पर जाकर मारा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो कार्रवाई म्यांमार में सरकार की तरफ से की गई है, सेना की तरफ से की गई है, क्या ऐसी ही कार्रवाई की अपेक्षा अब हमारी जनता पीओके के लिए भी करे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी देवव्रत सिंह जी का, कांग्रेस के लीडर हैं, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देवव्रत जी, अगर देखा जाए तो आपकी सरकार के वक्त में जो एक छवि उभर कर सामने आई थी कि आप एक कड़ा
संदेश देने के लिए, एक कड़ा मैसेज देने में नाकामयाब साबित होते थे, और अब उसी छवि को सुधारने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ जी। ये जो म्यांमार में जो मणिपुर के बॉर्डर पे जो हमारी सेना ने जो किया, और म्यांमार की सेना के साथ मिलकर जो उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उनके क्षेत्र में और उनकी सीमा में जाके जो समाप्त किया, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है सेना का। और भारत की सेना पर हम लोगों के उसके शौर्य पर हर समय गर्व रहा है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे राजस्थान बॉर्डर का मामला हो, चाहे चीन के साथ मामला हो। जहां तक के इस लड़ाई की बात है, ये जो एक्शन की बात है, इसकी तो तारीफ सब जगह हुई है और सेना, भारत सेना के पर सभी लोगों को गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इसकी पब्लिसिटी स्टंट बना के रखा है, और ये जो एक घटनाक्रम है, ये न केवल हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब करने वाली बात होगी, बल्कि उग्रवाद को और आतंकवाद को तो हम लोग सब समाप्त करना चाहते हैं जी। लेकिन जिस तरह से सेना ने जो कार्रवाई की, उसका जो श्रेय मोदी सरकार लेना चाहती, जिस तरह से उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बना के रख दिया, जिस तरह से टीवी में उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, वो न केवल अनुचित है बल्कि हमारी सेना की जो गतिविधि है उसकी गरिमा का अनुरूप भी नहीं है जी। सेना ने जो कार्य किया, इसका श्रेय सेना को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेना का भी गौरवगान हो रहा है। अगर हम सेना के बारे में बता रहे हैं कि सेना ने एक उत्कृष्ट काम करके दिखाया, तो उसमें क्या परहेज है, इसका भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। आलोक जी, जी देवव्रत जी, आपका हम रुक करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर आलोक बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जो ऑपरेशन का गुणगान किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर सरकार की आप आधिकारिक सूचना की बात करें, तो सरकार ने ये कहा कि जो ऑपरेशन हुआ है वो सीमा के अलोंग द बॉर्डर हुआ है, और सेना का ये एक बहुत सफलतम अभियान था। सामान्यतः इस तरीके के अभियान जो है कोवर्ट होने चाहिए, उनकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि भारत सरकार पिछले कई दशकों से इस तरीके के कोई अभियान नहीं कर रही थी, और जो भी कोई आतंकवादी थे वो हमारे यहाँ हमला करके पाला क्रॉस कर जाते थे और अपने आप को सुरक्षित समझते थे जी। क्योंकि पहली बार हमने ये किया, ये उद्घोषणा करनी आवश्यक थी। अगर सामान्यतः इस चीज का गुणगान नहीं करना चाहिए, लेकिन पहली बार चूंकि हम एक नीति परिवर्तन कर रहे थे, तो इसका उद्घोषणा होनी आवश्यक थी। मेरा आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में जब भी कोई इस तरीके के ऑपरेशंस होंगे तो उनको सीक्रेट रखा जाएगा, और जैसे कि इसके रिक्वायरमेंट्स है उनको, उनके बारे में कोई भी टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया को नहीं रिलीज की जी। आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक कड़ा संदेश देने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इशारा नहीं करता सरकार की नासमझी पर, उनकी कूटनीतिक नासमझी पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो स्ट्रेटेजिक सोच है कि अगर आपको पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत विरोधी तत्व जो है दुनिया में किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है, तो ये आवश्यक है कि आप दुनिया को बताएं। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो सवाल ये है कि अगर आपने कोई कार्य किया है तो वो दुनिया में पता होना चाहिए, दुनिया के सारे राष्ट्रों को, कि भारत की नीति ये है कि अगर हमारे यहाँ हमला किया तो हमलावर कहीं पे भी छुप नहीं सकता, हम उसको वहाँ घर में घुसकर मारेंगे। आलोक बंसल जी, मैंने अभी आपसे पूछा था कि जिस तरह से पूरा ये मामला देखा जा रहा है, उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अब भारत अमेरिका, क्या अमेरिका जितना सक्षम हो गया कि अमेरिका जैसे ड्रोन हमला करता है तो वो खुद आके बताते हैं कि हमने यहाँ पर ड्रोन हमला किया है, तो क्या अब भारत अमेरिका के पथ पर चलने लगा है? हम अमेरिका के पथ पर जरूर चल रहे हैं। भारत अमेरिका जितना सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन सक्षम हो गया है। भारत की सुरक्षा सेनाओं में ये सक्षमता शुरू से थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, और अब इस सक्षमता को हमने दिखा दिया कि हमारे में ये सक्षमता है, हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास अमेरिका जैसी सक्षमता है, लेकिन हम उस तरीके की सक्षमता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। हमने कुछ सक्षमता प्राप्त कर ली, आगे चलकर हम और आगे इससे बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये आवश्यक है कि भारत विरोधी तत्वों को एक संदेश जाए कि भारत के खिलाफ कार्य करके आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा आलोक जी। हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। अश्वनी जी, आपसे मेरा सवाल है, म्यांमार में ऑपरेशन हुआ, सेना हो या फिर सरकार हो, हर कोई अपने बुलंद हौसलों को लेकर तारीफ कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जैसा ऑपरेशन म्यांमार में हुआ, क्या ऐसे ऑपरेशन की उम्मीद हम पीओके में भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बात मुझे लगता है ये सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दे सकता।
जी, क्योंकि ये ऑपरेशन जो किया गया है, इस तरीके के जो ऑपरेशन होते हैं, ये इसके लिए बाकायदा इंटेलिजेंस की इनपुट होती है, बाकायदा एक प्री प्लानिंग होती है, लेकिन बहुत ही टॉप सीक्रेट होती है। इसलिए इस बात को मीडिया के चैनल पर हम आपको बता दें जी, हो सकती है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता हो सकती नहीं हो सकती है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता होती, इनफैक्ट सरकार में सभी मंत्रियों को भी नहीं पता होती है। ये बहुत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, एक टॉप के कुछ एक लोगों को पता होता है, सबको नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सीक्रेट मैटर होता है, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं जी, इसका विदेशों के साथ बहुत सारा इसमें लिंक होता है। तो इसलिए ये सवाल आप पूछ सकती हैं, लेकिन इसका जवाब शायद मैं देना ठीक नहीं समझता इसका जी जी। लेकिन आप जरा इसको समझें, आप पिछले एक साल में क्या हुआ है, वही आर्मी, वही जनरल, वही सैनिक, वही हथियार, वही गोला, वही बारूद, सब कुछ, लेकिन अब भारत की सेनाओं को उनको झुकने की जरूरत नहीं, उनको अपमान सहने की जरूरत नहीं है जी। ये सरकार ने केवल इतना किया है कि भारत की, भारत माता की रक्षा के लिए आपको जो कुछ करना हो करिए, आपको जरूरत पड़े आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़िए, सरकार उनसे कोऑर्डिनेट करेगी, दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। अगर आपको लगता है कि किसी ने हमारे भारत माता की सुरक्षा करने वाले किसी सैनिक को मारा है, आप जाइए मार के आइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। इतना अंतर किया है अश्वनी जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें ना तो सेनाओं की शौर्य गाथा को लेकर कोई परहेज है कि अगर उन्होंने कोई उत्कृष्ट काम किया है तो यकीनन उसकी सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये इतना ज्यादा जरूरी था कि रक्षा मंत्री को एक दिन में चार चार बार बयान देने की नौबत आ गई? नहीं, आप समझे ना, आप रक्षा मंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी बयान दिया था। रक्षा मंत्री जी अपने रक्षा सैनिकों के साथ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अरे उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना। अब उसमें बातचीत में अगर आप लोगों को भी मौका दिया, अगर आपको मौका नहीं दिया जाता मीडिया को तो भी ठीक नहीं था। और चूंकि पूरा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद क्या किया आर्मी ने, निश्चित रूप से अगर हम नहीं बताते तो म्यांमार बताता, कोई ना कोई तो बताता इसको ना, ये खबर ऐसा तो नहीं छिपने वाली खबर थी भाई। परमाणु विस्फोट जब हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, तो जब तक परमाणु विस्फोट नहीं हुआ था किसी को नहीं पता चला, जब परमाणु विस्फोट हुआ तो सबको बताया गया हमने विस्फोट कर जी, दिया जी। अब वैसे ही जब तक ये ऑपरेशन नहीं हुआ था किसी को इसको कानों कान खबर नहीं दी गई, जब ऑपरेशन हो गया तो निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी ने आके सामने बताया भले ही, लेकिन जी जी इसको ऐसा नहीं किया हमने, इसको कोई मार्केटिंग नहीं किया है, हमने तथ्यों को रखा है, हमने केवल इतना बताया कि हमारी सेना गई मार्केट और आई, और इसका परिणाम आप जरा देखें जी। इसकी ये इस बात की खबर जैसे ही पूरी दुनिया में चली और कोई नहीं बोला, लेकिन कहावत है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, सबसे पहले पाकिस्तान बोला कि मैं म्यांमार नहीं हूँ जी। इसका मतलब उसको पता है कि जिस तरीके से म्यांमार में आतंकवादी गए वैसे पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हुए जी, तभी तो उसको डर लग गया ना भाई। नेपाल ने तो नहीं बोला मैं म्यांमार नहीं हूँ, बांग्लादेश ने नहीं बोला मैं म्यांमार नहीं हूँ, भूटान ने नहीं बोला मैं म्यांमार नहीं हूँ, पाकिस्तान ने बोला मैं म्यांमार नहीं हूँ। इसका मतलब पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप चलते हैं, आतंकवादी रहते हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी हालत खराब है, वो डरे सहमे हुए हैं, क्या पता जी, कोई जी। कोई अश्विनी जी हमारे साथ देवव्रत सिंह जी भी बने हुए हैं जी। देवव्रत जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कितना ये कहना है कि कांग्रेस का रुख बहुत स्पष्ट है कि सैन्य जो कार्रवाई हुई है ये अभूतपूर्व कार्रवाई है, ऐतिहासिक कार्रवाई है, और इससे पूरे विश्व में संदेश जाएगा। लेकिन इस प्रकार की चीजों के लिए भारत की सेना जानी जाती है, हमने मुंह तोड़ कई बार जवाब दिया है, चाहे प्रधानमंत्री कोई रहे, सरकार किसी की रहे, लेकिन सेना मजबूती से लड़ती रही। लेकिन आज प्रश्न इस बात का है कि हमारी विदेश नीति के आधार पर यदि हमने कुछ काम को किया है तो उसका प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्या है? नेपाल में बहुत अच्छा काम आर्मी ने किया, अर्थक्वेक के समय में, इवैक्यूएशन के समय बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में नेपाल सरकार को कहना पड़ा कि आपका पब्लिसिटी कैंपेन इतना हो गया कि हमको लगा कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरा निवेदन यह है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कार्य सैन्य प्रशासन ने कार्य किया, लेकिन इसका श्रेय उन्हीं को दिया जाना चाहिए, इसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, आज हम म्यांमार के प्रति हमने ये रुख रखा है, म्यांमार में उग्रवाद और आतंकवाद के पीछे चीन का हाथ है, चीन अरुणाचल के हमारे नक्शे को मानता नहीं है, जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन अक्साई क्षेत्र को अपना मानता है वो। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार चीन पे आंखें क्यों नहीं दिखाती?
आज तक के ई वीजा के बारे में चर्चा नहीं हुआ है कि अरुणाचल देवव्रत जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी, इसके अलावा मजबूत राजनीतिक नेटवर्क नहीं था और इसी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग देवव्रत जी नहीं करते हैं। चीन जो उग्रवाद को बढ़ा रहा है उसके बारे में बात नहीं करते जी। देवव्रत जी, मेरा सवाल आपसे ये, अश्विनी जी आपके पास भी आएंगे जी जी। प्रिया जी मैं बोलता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं जवाब दे देता हूँ जी। पहली बात तो ये, हमारे कांग्रेस के मित्र ये कुछ अलग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये तो इनके जितने बड़े नेता हैं, कल वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, आज हमारे मित्र अच्छी भाषा बोल रहे हैं, सेना की बड़ाई कर रहे हैं, सेना को समर्थन दे रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें स्वागत करता हूँ। लेकिन इनके जितने बड़े नेता हैं, खासतौर पर इनके जो आनंद शर्मा, वो तो लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री तरीके बातचीत कर रहे थे जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सेना के मनोबल को मत तोड़िए। जहां तक बात है आपकी, आपने चाइना और चीजों की बात की, मैं आपको बताऊं चाइना का युद्ध, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जितने पुराने लोग हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा पता है, चाइना से लड़ाई हुई थी, नेहरू जी दिल्ली में बैठे हुए थे, सेना के पास गोला बारूद तो छोड़िए, खाने के लिए भोजन नहीं था, आधे सैनिक भोजन के लिए भूखे लड़ रहे थे जी। ये होता है डिफरेंस अश्विनी जी, लेकिन क्या हमें अब ये वक्त नहीं आ गया अश्विनी जी? भारत की सेना भी हमारे भाई बहन है, भारत की लड़ाई भी है जी जी, भारत की सेना भी भारत के नागरिक। देवव्रत जी आपको भी सुनेंगे, सैनिकों को विशेष, देवव्रत जी आपको भी सुनेंगे, सैनिकों को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए जी। अश्विनी जी, केवल एक्सप्लॉयटेशन हुआ आपके टाइम में, केवल और केवल एक्सप्लॉयटेशन हुआ सेना का, उनका मनोबल गिराया गया, उनके मनोबल को तोड़ा गया। आज आप किसी सैनिक से, मैं तो आपको कहता हूँ साधना न्यूज को, आप जाइए, आप 1000 सैनिकों का सैंपल ले लीजिए, सैनिकों से अलग अलग बात करिए, उनसे पूछिए आपको क्या लगता है, वो खुद बता देंगे कि मोदी सरकार को के मोदी सरकार उनको कैसी लग रही है और पिछली सरकार कैसी लगती थी। लेकिन अश्विनी जी, यही सवाल है, यही मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देवव्रत जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अश्विनी जी यही मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति को अलग नहीं रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए, बिल्कुल अलग रखना चाहिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इस पे चर्चा आप पॉलिटिकल लोगों से करिए मत। हम तो कहते हैं कि साधना न्यूज इस पे ना कांग्रेस को बैठाए ना बीजेपी को बैठाए, आप इस पे 10 पैनलिस्ट बैठा लीजिए, आर्मी के जनरल बैठा लीजिए, आर्मी के हवलदार बैठा लीजिए, उनसे चर्चा कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि इस सरकार में पिछले सरकार में क्या अंतर है जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे और उन्हीं से मालूम करेंगे कि ये जो कहा जा रहा है कि एक सरकारी इच्छा शक्ति की कमी थी, एक फैसला कहीं नहीं लिया जा रहा था, अब हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक बंसल जी, आपका, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की कमी थी, इस वजह से इस तरह के कड़े संदेश देने में भारत सरकार नाकामयाब हो रही थी, क्या ऐसे मामले होते हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस ऑपरेशन के द्वारा हमने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दुनिया को दिखला दिया है जी। जहां तक सवाल सेना की सक्षमता की बात है, वो तो हमेशा से थी, हमारी सेना सक्षम थी, सक्षम है और सक्षम रहेगी, और जो कमी थी वो सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी, क्योंकि ये कठोर निर्णय है और इस कठोर निर्णय को लेना आसान नहीं है हर नेता के लिए जी। और चूंकि इस सरकार ने ये निर्णय लिया, ये काबिले तारीफ है, आशा है कि आगे चल के जो भी सरकारें रहेंगी और जो भी रहेंगी वो इस निर्णय पर कायम रहेंगी जी। शुक्रिया आलोक जी हमसे बात करने के लिए। तो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े आलोक बंसल जी, उन्होंने भी यही कहा है कि यकीनन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जिसको अब मोदी सरकार ने पूरा किया है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुब्रमण्यम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से विपक्ष की दलील है कि बीजेपी सरकार इसे प्रचारित कर रही है और इसको प्रचारित नहीं करना चाहिए था, क्या वाकई में ऐसा है, जानबूझकर ये बातें बाहर लाई जा रही हैं? देखिए, ये तो जो जिनको ईर्ष्या और जलन होती है वो तो ऐसे कहेंगे जी। अब 71 में जो बांग्लादेश का हुआ था उसमें सब लोगों ने मदद की थी इंदिरा गांधी को, जयप्रकाश नारायण खुद दुनिया भर के दौरा करके एक सहमति पैदा की, और जब विजय हुई तो सब सिर्फ इंदिरा गांधी ने किया, वही दुर्गा माँ है, उसी को भारत रत्न, ये सारी चीजों कांग्रेस करने के बाद उनके मुंह में अच्छा शोभा नहीं देता है कि ये ऐसे शब्दों को निकालना। ये निश्चित तौर पर जो अधिकृत बयान है वो तो सरकार की ही होगी, हम ये नहीं कभी मान सकते हैं कि मिलिट्री बता सकते हैं
और बोल सकते हैं अपनी नीति के बारे, ये हमारे संविधान के दायरे में आता नहीं है और इसीलिए हमें इसको बताना है। हमने इतना ही बताया, हमने कोई डंडौर नहीं पीटा, हमने कहा कि हमारी एक नया नीति है, पहले ऐसा नहीं होता था और हमने इस बार करके दिखा दिया और सबको एक चेतावनी दे रहे हैं। ये तो बड़ी सुंदर बात हुई, परंतु इसको खटाई में डालने के लिए इस प्रकार जी, जी, जी। सुब्रमण्यम जी, जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है म्यांमार ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को, अब वहां से भी कड़ा जवाब आ रहा है, क्या इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे? अब पाकिस्तान को तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी जैसी सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वो उस स्वभाव का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और बर्मा में बहुत फर्क है। बर्मा में यद्यपि वो हमें औपचारिक अनुमति दी नहीं दी वो सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वो भी तंग आए हुए थे इन आतंकवादियों से और कई बार हमसे कहा था कि हमारे नियंत्रण में नहीं है और उन्होंने ये होने के बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं और इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग वेनिंग देने का कोई काम करते नहीं है। पाकिस्तान तो अपने लोगों को भेजती है, उन्हीं को ट्रेन करती है और उनका ऐसा करेंगे तो नेचुरली वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और इसीलिए हमें दूसरे तरीके से तैयारी करनी है, पर तो करना तो अंत में हुई है। जी, तो एक कड़ा संदेश देने की पाकिस्तान को कोशिश की गई है और वहां से भी कड़ा संदेश आया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस ऑपरेशन के बाद ये जो कड़े संदेश दिए जा रहे हैं इससे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ रिश्तों पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, मेरा नाम रोहित है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन ऑल आउट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, इसे लेकर भारत की पूरी दुनिया में बड़ाई हो रही है और भारत को उसी तरह से उन सभी देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब भारत को इसी तरह से आतंकवाद का सफाया करना चाहिए और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जी, हमारे साथ देवव्रत सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? श्रेया, मैं एक बात अपनी रख दूं। जी, ये कांग्रेस की वही सरकार है। जी, आपके पास भी आएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब बड़े वरिष्ठ नेता है देश के, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि एनडीए के सरकार में ही मंत्री जी आतंकवादियों को छोड़ने कंधार तक गए थे, हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। अभी जो मसरत वाली घटना कश्मीर में घटी वो इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है कि एक आतंकवादी को छोड़ दिया गया, गृहमंत्री को मालूम नहीं था। जहां तक इस ऑपरेशन का सवाल है, निश्चित रूप से भारत की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान में भी जाकर हफीज सईद जैसे आतंकवादियों को समाप्त कर सकती है, इतनी इच्छा शक्ति है, केवल उसमें आदेश देने की बात है। लेकिन हमें अपनी विदेश नीति को देखना पड़ेगा, देश की गरिमा को देखना पड़ेगा और आज मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर निश्चित रूप से सेना बधाई की पात्र है, सेना बहुत कुछ कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन उसमें राजनीतिक बयानबाजी और उसका श्रेय लेने की बात नहीं होनी चाहिए। जो कुछ नेपाल में हुआ, अर्थक्वेक में सेना ने जाके बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, लेकिन जो पब्लिसिटी कैंपेन पूरे वर्ल्ड में चला कि नेपाल सरकार को कहना पड़ेगा आप वापस जाइए, सवाल ये खड़ा होता है कि जब आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है भारत की विदेश नीति का, जो म्यांमार में ऑपरेशन किया गया, तो कांग्रेस को इससे क्या गुरेज है? आखिरकार क्यों कांग्रेस ही आगे बढ़ बढ़ के ये कह रही है कि सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत कार्रवाई हुई है, सेना ने मजबूती से कदम उठा के कार्रवाई की और सेना बधाई के पात्र है। जी, हम तो राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कर रही उसकी बात कर रहे हैं। जी, इसका जवाब हम लेना चाहेंगे अपने बीजेपी नेता से, अश्वनी उपाध्याय जी से। आखिरकार क्यों ऐसा सबको महसूस हो रहा है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने कौन कोशिश करता मैं आपको बताता हूँ। जी, आपको याद होगा एनडीए के टाइम में एक कानून लाया गया था, कड़ा कानून, जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। जी, उसको एक कड़ा कानून बनाया गया था और उस कानून आने के बाद जब गृह मंत्री आडवाणी जी थे, बहुत कमी आई थी आतंकवाद में। जी, लेकिन ये सरकार केवल और केवल वोट पाने के चक्कर में, केवल और केवल अपनी सत्ता की सत्ता लोलुपता में, उस सरकार को इन्होंने आते ही जब यूपीए बनाया उस कानून को खत्म किया। उसका नतीजा है पिछले 10 सालों में आतंकवाद बहुत तेजी के साथ बढ़ा। अश्विनी जी, सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर हम पिछले भारतीय जनता पार्टी
आतंकवाद के मामले में, देश की सुरक्षा, देश की एकता और देश की अखंडता के मामले में कभी कोई समझौता नहीं करती है। ये जो बता रहे हैं ना, इनको अभी मैं चाइना से लेके और जितने लड़ाइयां हुई है उसमें क्या क्या किया है, आप अभी वो चिट्ठा खोलेंगे मुझे लगता है शायद पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, एजेंडा बदल जाएगा। जी मैं केवल और केवल इतना कहता हूँ, ये सरकार 100% कमिटेड है। अगर बातचीत से बात बनेगी तो बात से, जो बात से नहीं मानेगा उसको लात से, लेकिन कोई अब आंख उठा के नहीं हिम्मत करेगा। आप एक हाथ उठाओगे, हाथ आगे बढ़ाओगे, हम दो हाथ आगे बढ़ाएंगे। आप एक आंख दिखाओगे, हम दोनों के बारे में बोलिए। चीन के बारे में, चीन के बारे में आपकी नीति क्या है? चाइना के बारे में आपको बता दिया, चाइना के बारे में नक्शा बदल दिया। अरुणाचल सेना वहां लड़ रही थी तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे चाइना में युद्ध हुआ था, 100 किलोमीटर अंदर चीन में लड़ रही थी मोदी जी, और आपके प्रधानमंत्री सिगार पी रहे थे साहब, सीमा में आ गए नेहरू साहब, सिगार पी रहे थे सिगार, ये है अंतर। हाँ यहाँ पे जब म्यांमार में लड़ रही थी तो मोदी जी वार रूम में बैठे हुए थे, एक एक चीज का जायजा ले रहे थे, ये अंतर होता है। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका रुख करना चाहूंगी। स्वामी जी, जो मुशर्रफ की तरफ से, परवेज मुशर्रफ की तरफ से बयान आया है, आप उन बयानों को किस तरह से देखते हैं? हाँ, वो उपयोग कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। फिर हम उपयोग करेंगे तो फिर कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा, हमारे घर जरूर काफी नुकसान होगा, परंतु पाकिस्तान तो समाप्त हो जाएगा जब हम जवाब देंगे। और वो जो भाषा उपयोग करते हैं उससे तो वो महिलाओं को अपना अपमान अपमानित किया। उन्होंने कहा हम कोई चूड़ी पहने हुए नहीं है जी। अब हमारे देश में कोई राजनीतिज्ञ ऐसा कहता तो उसी पर हल्ला होता, लेकिन मुशर्रफ को लोगों ने माफ कर दिया इस पर। मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की बहादुरी की भाषा की आवश्यकता नहीं है। वो जो आपके लोग सीमा पार के आते हैं उनको रोक दो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सुब्रमण्यम जी, हमारे साथ अश्वनी जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। मैंने अभी उनसे ये पूछा था कि सरकार और सेना काफी गदगद है म्यांमार ऑपरेशन को लेकर, क्या इस तरह के ऑपरेशन पीओके को लेकर भी हो सकते हैं? मैं तो सरकारी जो निर्णय है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, परंतु हमारी पार्टी के अंदर तो यही राय है कि जो कैंप्स हैं उनको बॉम्ब करनी चाहिए। वो आकर हमारे देश में बॉम्ब करते हैं, विस्फोट करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, तो हमें पाकिस्तान से बोल बोल के हम थक गए, अब हमें खुद करना पड़ेगा। और ये सरदार पटेल ने 1950 में भी बांग्लादेश को, उस समय की जो ईस्ट पाकिस्तान थी आजकल के बांग्लादेश, उस समय वो दंगे रोक नहीं पा रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा कि तुम हिंदुओं की जो नरसंहार हो रहा है उसको रोक नहीं सकते हो, तो हम आकर रोकेंगे। उसके बाद वो रुक गया तुरंत। इसी प्रकार से आप अपने कैंप्स को बंद नहीं कर सकते, हम आपके लिए बंद करके देंगे। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस कार्रवाई के बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें डर व्याप्त होगा? नहीं, ऐसा जो जिनका असली जानकारी है इसमें उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी देवव्रत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत जी, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक सराहनीय काम सरकार की तरफ से किया गया है, अगर विदेश नीति में बदलाव आया है और पूरी दुनिया उसको मान रही है, तो कांग्रेस को क्या परहेज है इस बात से? नहीं नहीं, देखिए इसमें विदेश नीति में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है उनका। जी सेना ने एक कड़ी कार्रवाई की है और सेना ने वहां पर कार्रवाई बहुत सोच समझ के अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर सेना ने कार्रवाई की और भारतीय सेना इस तरह के कार्य करती रही है। लेकिन देवव्रत जी, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बकायदा एक मीटिंग की और ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है। जी ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है, सरकार के सैन्य कार्रवाई के श्रेय लेकर उसको प्रेजेंटेशन करती है। जी जैसे नेपाल में किया, नेपाल में काम किया हमारी सेनाओं ने अर्थक्वेक रिलीफ में, श्रेय लेते हैं मोदी जी। मेरा कहना है कि इस तरह की कार्रवाई हमारी सेना की शक्ति है। लेकिन देवव्रत जी, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, अगर सरकार किसी एक त्रेया एक मिनट में बोलता हूँ, मैं देवव्रत जी को जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए। यही सेना जिसकी बात कर रहे हैं, सेना, आपको याद होगा केदारनाथ में भी ऐसी तबाही आई थी। जी केदारनाथ में क्या हुआ था, सेना को पहुँचने में कितना टाइम लगा था, कितने लोगों की मौत हुई थी और हद ये हो गई थी। बाद में राहुल बाबा गए तो सारा का सारा सरकारी तबका राहुल बाबा की सेवा में लग गया, वहाँ लोग मर रहे थे और इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बाबा राहुल बाबा की सेवा कर रहे थे। ये अंतर होता है,
ये अंतर होता है कि उत्तराखंड उत्तराखंड को सेना के पहुंचने में 3 दिन लग गए थे और नेपाल पहुंचने में केवल 3 घंटे लगे, ये डिफरेंस होता है। अश्वनी जी से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अब पब्लिसाइज किया जा रहा है चीजों को, क्या उनसे हमारे जो गुप्त ऑपरेशन होते हैं क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। फिर आप मुझे ये बताइए कि विदेश, अरे सुनिए जी, नहीं ऐश्वर्या जी एक एक बात का उत्तर मुझे दे दीजिए आप। नहीं, फिर आप मुझे ये बताइए, अगर इसे हम इसे राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं तो फिर रक्षा मंत्री का 2 दिन में 4 बयान आना किस मायने को देखा जाए? अब आपने इस पे चर्चा रखी हुई है, मैं यहाँ बैठ के अपना पक्ष रखूंगा तो निश्चित रूप से पब्लिसाइज हो जाएगा। आप लोग इस पे चर्चा करना बंद कर दिए, पब्लिसिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। पब्लिसिटी तो आप लोग कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत तभी पड़ी, इसकी जरूरत तभी पड़ी है जब ये देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की शौर्य गाथा ज्यादा हो रही है। सेना ने तो अपना काम किया है लेकिन बताया ऐसे जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ऐसा हो गया, इतनी चर्चा की जरूरत महसूस हो रही है। श्रेया जी ये इस बात का आरोप लगा कौन रहा है? इस बात का आरोप लगा रहे हैं वही लोग जो पूर्ण नमस्कार का विरोध करते हैं और सुनिए देवव्रत जी सुनिए जी, म्यांमार की घटना का राजनीतिकरण हम लोग नहीं कर रहे जी। म्यांमार की घटना का राजनीतिकरण वो लोग कर रहे हैं जो दिन में सोनिया नमस्कार करते हैं लेकिन सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, वो लोग हैं, ये हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। अश्वनी जी मैं ये पूछ रही थी कि फिर राज्यवर्धन राठौड़ का आकर पाकिस्तान को चेतावनी देना क्या दर्शाता था? नहीं नहीं, निश्चित रूप से बता देना चाहिए सबको, ये तो बताना ही चाहिए ना सबको कि भाई ये 10 साल वो पुराना वाला टाइम गया, वो जो चला गया जिसमें देश लूटा, बाहर से लूटा, अंदर से लूटा, कम से कम मुझे लगता है 10 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, वो टाइम गया। ये तो हमें बताना पड़ेगा सबको, हमें ये बताना पड़ेगा कि आप भ्रष्टाचार करोगे नहीं छोड़ेंगे, अपराध करोगे नहीं छोड़ेंगे, क्या हम अमेरिका के रास्ते पर चल रहे हैं, बताना पड़ेगा ना। और जब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हम अमेरिका, जी अश्वनी जी मेरी बात सुनिए, और जब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हम अमेरिका के रास्ते पर चल रहे हैं तब उसको आप दरकिनार कर दे रहे हैं, तो फिर क्या अमेरिका जो ड्रोन हमला करता है वो सबको आके बताता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, भारत किसी के रास्ते पर नहीं चलेगा, भारत के रास्ते पर चलेगा जी। भारत अपने आप में एक अपना रास्ता बनाएगा, अपने रास्ते पर चलेगा, हमें नकल करने की क्या जरूरत है? हमारी सेनाएं अपने आप में सक्षम है, हम उनकी नकल क्यों करेंगे? हमारी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, हमारा अपना अलग पड़ोसी है, हमें अलग से योजनाएं बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए हम अमेरिका के रास्ते पर नहीं चल सकते ना। लेकिन म्यांमार और पाकिस्तान की बराबरी नहीं हो सकती, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, हमारे उनके रिश्ते अलग हैं। म्यांमार हमारा दुश्मन देश नहीं है लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। देखिए हम ये नहीं जानते किसके साथ क्या रिश्ता है, हम केवल इतना जानते हैं अगर बॉर्डर के अंदर घुस के मारोगे, अंदर ढूंढ के मारेंगे, अंदर अगर नहीं मिलोगे बाहर भाग जाओगे, कहीं छिप जाओगे तो वहां से भी निकाल लाएंगे, इसलिए ये एक मैसेज चला गया है और सबको चला गया है, चाहे वो मुझे अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सबको चला गया है। लेकिन कहावत है चोर की गाड़ी निकाल का, तो सबको गया था, बोला केवल पाकिस्तान, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है जी। देवव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, देवव्रत जी सुनी जी, मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में दिसंबर और जनवरी में कई सभाओं में इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बनने के 1 साल के अंदर में हफीज सईद को अरेस्ट करके हम भारत में सजा देंगे, क्या कार्रवाई हुई, कहीं बात आगे बढ़ी उस मामले में कि केवल व्यापारिक संबंध बनाने के लगे हुए हैं मोदी जी? आपके नेता दिग्विजय हफीज सईद को छोड़ दिया गया, वहां जेल से रिहा कर दिया गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई। देवव्रत जी जवाब ले ले, अरे आपका सवाल आ गया भाई, देवव्रत जी जवाब ले ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपका सवाल आ गया, जवाब सुनिए, रिहा कर दिया गया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, आप सुनिए, मैं तीनों चार सवाल जवाब देता हूँ। आपने मसलक छोड़ने का आरोप लगाया, आपका उत्तर भी ले ले, सुनिए पहले जी, आपका होमवर्क मसला इसलिए छूटा कि आपकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने उसकी केस को मजबूती से साथ पैरवी नहीं किया, इसलिए कोर्ट से उसको जमानत मिल गई थी, पहली बात तो ये, आप अपना होमवर्क ठीक करिए, मसला बीजेपी बस नहीं छूटा। अरे प्लीज, आप हद हो गई, आप थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, सवाल आपने पूछ लिया ना,
आपके यही आपने सभ्यता की जो आज आंखें तरेर रहे हैं, आप जरा इनको चुप कराइए ना, इनका सवाल आ गया लगातार, ये तो रस्ते चले जा रही है। चलेगा पाकिस्तान मसरत आलम इसलिए छूटा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने उसके ऊपर अच्छी धाराएं नहीं लगाई, उसके मुकदमे की पैरवी नहीं किया, इसलिए उसको जमानत मिल गई है। मसरत आलम को छोड़ने में पूरी की पूरी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस और नेशनल उमर जी अश्विनी जी को लेते हैं, आप ले लेते हो, एक ही करके बोलते हैं, सबको समझ आएगा आपका। जिसने छोड़ा मसरत को और मसरत ने छूटने के बाद फिर वही आतंकवाद फैलाने के प्रयास किए कश्मीर में, इसके लिए आपकी सरकार दोषी है, इस पर क्यों नहीं बोलती मोदी जी? मैं ये कह रहा हूँ मसरत आलम इसलिए छूट गया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी, उस सरकार ने मसरत के ऊपर तगड़ी धाराएं नहीं लगाई। राजनाथ सिंह का परिचय दीजिए ना आप, राजनाथ सिंह जी सभ्यता का परिचय दीजिए उसमें। लगता नहीं है देवव्रत जी आप अपने सवाल का उत्तर लेना चाहते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, अश्वनी जी और देवव्रत जी आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार बने हुए हैं। सुब्रमण्यम जी, अब जो नई विदेश नीति निकलकर सामने आ रही है जिसकी चौतरफा तारीफें भी हो रही हैं, आपको क्या लगता है कितनी वाजिब मानी जाए ये विदेश नीति? क्योंकि आपने सीमा को कौन पार करके जाएगा उस पर वो नियंत्रण नहीं रख सकते, तो फिर हमें करना पड़ेगा। ये तो उनको समझना चाहिए, हमारी जो पेशेंस है जो हमने आज तक सफर करके आए थे, अब हम एक हद तक गए और इसके बाद नहीं जाएंगे, उनको सबको समझ में आनी चाहिए। परंतु हमें किस देश से हमें इसमें समस्या होने वाली है? एक ही देश है, वो है पाकिस्तान जी। और कोई हमारी पड़ोसी देशों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइना को पता है, चाइना से तो कोई घुसपैठ आते नहीं है जी। और हम अपने घुसपैठ वहाँ भेजते नहीं है, तो हमारी लड़ाई दूसरी प्रकार की लड़ाई है, वो सीमा का और जमीन का। परंतु इस प्रकार के जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम तो हमारे दोनों देश करते नहीं है, तो सिर्फ एकमात्र पाकिस्तान है, उसको तो निश्चित तौर पर इससे सबक मिला होगा जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कार्रवाई म्यांमार के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से की गई है, क्या ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद हम पाकिस्तान के खिलाफ भी करें, पीओके के खिलाफ करें, यही मैं जानना चाह रही हूं आपसे। और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत ही संक्षेप में शॉर्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अब जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तान को समझने की जरूरत है जी। पाकिस्तान अपने आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दे, पाकिस्तान गरीबी के साथ लड़े, भारत से न लड़े, वो गरीबी के साथ लड़े, इलिटरेसी के साथ लड़े, अशिक्षा के साथ लड़े, जो वहाँ तरह तरह के पाखंड व्याप्त हैं उनसे लड़ाई करे तो अच्छा है। और उसको ये भी समझना चाहिए, सांप अगर आप पालोगे आज नहीं तो कल आपको काटेगा। अगर आप ये सोचते हो कि सांप जो है केवल वो आतंकवादी केवल आपको भारतीय भारत को परेशान करेंगे, आपको नहीं परेशान करेंगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जिस तालिबान को आपने खड़ा किया वो तालिबान आपको डस रहा है जी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत पूरी तरीके से अपने सभी पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहता है। हमारी ये विदेश नीति आपने देख भी लिया, पिछले एक साल में मोदी जी कोशिश यही की है कि सबके साथ अच्छा संबंध हो जाए, सबके साथ आंख में आंख मिला के बात हो, सबके साथ हाथ मिला के बात जी। देवव्रत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत जी, लेकिन मौका जो बयानबाजी का दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो हमने ही उनको दिया? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को जो कहना है, मुशर्रफ को जो कहना है वो कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित रूप से हमारी सेना सक्षम है कि यदि सरकारें ये तय कर ले कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करनी है तो सेना बड़ा सक्षमता से कार्रवाई कर सकती है। दूसरी बात, देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जो पूर्ण बहुमत इस देश में मिला उसमें कहीं ना कहीं ये बात नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में लगातार आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं पाकिस्तान को लाहौर कराची तक के बराबर कर दूंगा, भाषण देने से तो आपको भी नहीं रोका गया था, एक साल में जेल कर दूंगा, आतंकवाद को खत्म कर दूंगा, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी भाषणों में लगातार आई है। हफीज सईद की गिरफ्तारी तक की बात हो जाएगी भाई, हो जाएगी, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये भारत खत्म होगा, भारत में एक बहुत बड़ा भारत धोखा होगा, भ्रष्टाचार मैंने बताया, करप्शन फ्री इंडिया होगा, आतंकवाद में फ्री इंडिया होगा, भैया इंडिया होगा, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस इंडिया होगा, आतंकवाद रोकना चाहूंगी कांग्रेस इस सरकार में, आपको बता रहा हूँ देवव्रत जी, भारत और दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी। तो आज जो हमने अपना कार्यक्रम किया ऑपरेशन
म्यांमार, उससे हमारा मकसद ना ही सेना की ताकत पर उंगलियां उठाना था, ना ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता को उंगली करना था, लेकिन हमारा जो मकसद था वो यही था कि जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से हो रही है उससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा। और इसी के साथ हमने कार्यक्रम की समाप्ति भी करेंगे और अपने सभी मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। हमारे साथ आलोक बंसल जी जुड़े, रक्षा विशेषज्ञ फोनलाइन पर, उनका भी शुक्रिया। बीजेपी से अश्वनी उपाध्याय जी, आपका भी शुक्रिया। देवव्रत सिंह जी, नेता कांग्रेस, आपने भी अपना कीमती वक्त हमको दिया। साथ साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको पब्लिक पंच के साथ। राष्ट्रीय भवन में पार्टी शुरू हुई। वेटर ने पूछा, सर क्या लेंगे? आडवाणी ने कहा, लेनी तो शपथ थी पर चलो तुम जलजीरा ही पिला दो। मनमोहन ने फोन करके नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। मोदी जी ने कहा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, इतने सालों में आज तेरी आवाज़ सुनी है।